सरप्राइज 100% था, बिकॉज ये सोच के नहीं हुआ था, लेकिन बिकॉज इट्स नॉट अ सेपरेट एंट्री जहाँ इंडिया की ऑफिशियल एंट्री तो नहीं भेजी गई थी, बट इंडिविजुअल एंट्री पूजा फिल्म्स ने भेजी थी और वो नॉमिनेटेड हो गई एंड लॉन्ग लिस्ट में आ गई है. तो कहीं ना कहीं तो अच्छा ये हो गया है, आई मीन यू फील वेरी हैप्पी बिकॉज ये एक ड्रीम था, ड्रीम सच हो गया है. बाद में अवार्ड जीते वो अलग बात है, लेकिन नॉमिनेटेड होना भी बहुत बड़ी बात है. तो यस, एवरीबडी इज़ हैप्पी इन द यूनिट. एंड मेरे दूसरे प्रोड्यूसर जो हैं टी सीरीज, वो भी बहुत हैप्पी है. माय पार्टनर संदीप सिंह, ही इज़ तो कम्प्लीटली हैप्पी कि यू नो फर्स्ट फिल्म नेशनल अवार्ड हो गई, सेकंड फिल्म में ये लॉन्ग लिस्ट में आ गई. तो समवेयर यूनिट इज़ हैप्पी, राइटर उत्कर्षणी इज़ लाइक फाइनली जस्टिस इज डन, यू नो. ऑल माई एक्टर्स, दलवीर कौर बहुत खुश थी, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, मैं आगरा में था, से वो बधाई हो मिल जुल गया, यू नो हमारे पूरे पिंड बहुत खुश हैं, समवेयर जस्टिस इज डन. देखो एक ये कहानी ऐसी है जो अलग किस्म की है, आई मीन ट्रू स्टोरी है. 23 साल तक अगर कोई बंदा एक जेल में कैद है, एंड भले ही पाकिस्तान हो या कहीं भी होता, लेकिन उसकी कहानी, उसकी स्ट्रगल है, एक फैमिली की स्ट्रगल है जो इतने सालों तक लगातार जुटी रही कि उसका भाई बाहर निकलेगा, उसका पति बाहर निकलेगा, वो नहीं हो पाया. तो ये एक स्टोरी है, एक ह्यूमन स्टोरी है जो वर्ल्ड वाइड वर्क होती है. आई मीन इट्स अ ट्रू स्टोरी, सो इट्स नॉट दैट हम कह रहे हैं कि ये बनावटी स्टोरी है किसी. तो ये जो दिल का धक्का लगता है कि अरे ऐसा रियली हुआ था, तो मे बी दैट वर्क्स इंटरनेशनली एंड दे नोटिस लाइक दिस इज़ देयर. इंडिया पाकिस्तान हो या इंडिया कोई भी दूसरा देश हो, स्टोरी वर्क हुई है एंड दैट्स वाई नॉमिनेशन हुआ है. वो बहुत ही खुश हैं, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट मेरे को किया है और फिल्म को कॉन्ग्रेचुलेट किया है कि हर एक की जो मेहनत थी वो कामयाब हुई है. एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी, मेरे को मैसेज भी भेजा बाद में कि कॉन्ग्रेचुलेशन टू द टीम यू नो ऑफ सरबजीत, बिकॉज सरबजीत एक यूनिट थी. बिकॉज ये कहानी कुछ आसान कहानी नहीं थी बनाने की, पिक्चर अच्छा आसान नहीं थी बनाने के लिए, सब ने इतना हार्डवर्क किया है. भले ही जो रणदीप ने जिसने लूज़ किया वेट, जिस तरह से उसने एक्टिंग की है, ऐश्वर्या ने पूरे जो एज किया है, जो 20 ईयर्स भी हो गई और 60 ईयर्स की भी हो गई थी, तो एक नया यू नो चेंज ओवर की जो उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को और उनकी एक्टिंग को सराहाया सब लोगों ने. इसलिए ये ऐसी पिक्चर है जो सबके मन में हमेशा रहेगी, यू नो कि हमने ऐसी पिक्चर एक की है जो समवे यू नॉट प्राउड टू डू दिस फिल्म, बिकॉज ये एक किसी के डेथ के बारे में पिक्चर थी, लेकिन हाँ हमारा नाम इससे जुड़ जाता है तो वी फील कि इस सब्जेक्ट को जस्टिस मिलना चाहिए था. दैट्स वाई एवरी वन डिड दिस फिल्म एंड उस हिसाब से फाइनली ऑस्कर का नॉमिनेशन आया, तो रियलाइजेशन हुआ कि यस वी रियली डिड दिस फिल्म एंड इट गॉट इज जस्टिस. नहीं वो तो है, बिकॉज कहानी बड़ी हो गई है, एक्टर से ज़्यादा कहानी बड़ी हो गई. अब कहानी अच्छी ले जाओ, एक्टर कहीं ना कहीं अपना दिल दिमाग सब डाल के ये पिक्चर करेगा, बिकॉज ये पिक्चर सडनली उनको लगता है कि मेरी लाइफ की बेस्ट पिक्चर हो, और अगर मैं नहीं करूँ तो लाइक यू नो फिर मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में. ये नहीं है कि अब सुबह सुबह उठ के आ गए, वैनिटी वैन से निकले और एक नाइस सीन करके चले गए. नहीं, यहाँ आप कर रहे हो ऐसी पिक्चर जिसमें आपको आपका पूरा 100% या 200% डालना है. तो वो हर पिक्चर अभी अगर आप देखोगे तो ये बदलाव आया है, बी इट सुल्तान, बी इट दंगल, बी इट एम एस धोनी, बी इट सरबजीत, ये चेंज आया है और ये रहेगा. मे बी बायोपिक है, मे बी अलग दूसरी जो स्टोरी है, सुल्तान एक पर्सन के बारे में थी लेकिन बायोपिक नहीं बनी थी, लेकिन उतना ही वर्क हार्ड करना पड़ा. तो आगे से भी ऐसी ही पिक्चर्स निकलेंगी जो एक एक्टर को चैलेंज करे, एंड एक्टर वो जो अपना लेगा चैलेंज तो सडनली पिक्चर यहाँ से यहाँ आ जाती है. मे बी वो फिक्शनल फिल्म ने अपना एंट्री नहीं दिया है एंड हम लोग ने सेपरेटली एंट्री दिया इसलिए नॉमिनेट हो गई, लेकिन हाँ जो ऑफिशियल एंट्री जो गई थी वो पता नहीं बायोपिक थी कि नहीं थी, पर वो सिलेक्ट नहीं हुई है और ये सिलेक्ट हो गई है लॉन्ग लिस्ट में. कहीं ना कहीं उनको भी अब्रॉड ऐसा लगता है कि ट्रू फिल्म्स सॉन्ग एंड डांस नहीं है, एंड दैट्स वाई वहाँ इंटरनेशनली वर्क हुई है, दैट्स वाई इट्स गॉट सेलेक्टेड, मे बी आई डोंट नो. हाँ बिकॉज कहीं ना कहीं वो उनको लगता है कि इंडिया इज़ ऑल सॉन्ग एंड डांस और पिक्चर ऐसे बनाती है कि झाड़ के पीछे वो मजाक उड़ा देते हैं. सडनली उनको पता चलता है अगर ऐसी भी पिक्चर भी है, मे बी मैरी कॉम भी अगर देखते तो उनको वैसे ही लगता था. मेरी कॉम सेलेक्ट नहीं हुई थी ऑफिशियल एंट्री, पर अगर
हमारे में हम भूल गए थे, या तो सेपरेट एंट्री डाल सकते थे, मे बी उसका भी यही होता कि सिलेक्ट हो जाती, बिकॉज वो भी एक ऐसी कहानी है, तो उनको वहाँ दिखना चाहिए कि हम भी ऐसी कहानी बनाते हैं जी। ये पर ये बेंचमार्क नहीं है ऑस्कर्स कि हम बनाते हैं तो ऑस्कर्स में ही जानी चाहिए तो ही प्राउड फिल्म, ऐसा नहीं। आप अच्छी पिक्चर बनाते हो, और आजकल का जो यू नो चेंज ओवर आया है इन सिनेमा, जो एक नया बायोपिक्स का जो दौर आया है वो रहेगा हमेशा के लिए, बिकॉज अभी लोगों को पता चल गया है कि भाई अच्छी पिक्चर बनाओ, दमदार पिक्चर बनाओ जो लोगों को टच हो, आम आदमी को भी टच हो, तो पिक्चर अच्छी बनेगी, कॉल आएगा वहाँ से डायरेक्टली कि आएगा भाई यहाँ भी वैसा चेंज आ गया है। पता नहीं कहीं ना कहीं दोनों, अगर ऑस्कर के लिए पिक्चर बनाते हैं हम और यहाँ नहीं चलती है तो फिर बोलते हैं अरे यार तू तो ऑस्कर में जाके बैठ जा, यहाँ पिक्चर का लेना देना नहीं। या तो अगर इंडियन ऑडियंस से बनाते हैं तो वो वर्ल्ड वाइड इतना नहीं सक्सेसफुल होता है, बिकॉज हम कॉमन मैन के ऊपर पिक्चर बनाते हैं और इस तरह बनाते हैं कि मसालेदार हो, एंटरटेनमेंट हो, और कहीं ना कहीं वो काम हो जाती है, लेकिन पता नहीं कि दोनों जगह काम होगा कि नहीं होगा। पर वो चेंज ओवर अभी आ रहा है, मे बी सेंसिबिलिटी आएगी, एंड सडनली हम फॉरेन फिल्म देखते हैं, हमको अच्छा लगता है, हम कभी ये नहीं कहते हैं कि यार वो वहीं बनती है, यहाँ बनाएंगे तो ये फेल हो जाएगा। मे बी दैट चेंज ओवर आ गया है, हम ऐसी पिक्चर जो हम देखते हैं वो अगर हम बनाएं पिक्चर, और अगर फॉरेन पिक्चर्स हमको भी अच्छी लगती है, इंडिया में भी चलती है, तो वैसी पिक्चर अगर हम बनाने लगे तो मे बी चेंज ओवर आएगा। मे बी मैंने भी गलती की है, मैंने भी कभी किया नहीं है, और हम सॉन्ग डांस डाल देते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ डाइल्यूट हो जाता है। स्टिल स्लमडॉग मिलियनेयर पूरे गाने के साथ थी, बैकग्राउंड स्कोर था, धमाल था, और वो उधर नाम कमा सका, तो हमारी दूसरी पिक्चर भी कमानी चाहिए वो नाम, एंड वो आएगा, बदलाव आएगा, और कहीं ना कहीं तो बिकॉज ये एक चेंज ओवर पीरियड है, हमारे पास एक नया जॉनर आ गया है जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, तो मे भी इस ये चेंज ओवर से कुछ हम चेंज देखेंगे। सरबजीत कहाँ पर है? हमें पता नहीं वो कौन से कैटेगरी में नॉमिनेटेड है और क्या आगे जाके क्या पद्धत होने वाली है, वो जाके फाइनली फॉरेन फिल्म में कैटेगरी में नॉमिनेट होगी कि मेन सिनेमा मेन कैटेगरी में नॉमिनेट, वो मेरे को पता नहीं है। लॉन्ग लिस्ट में आ गई, वो अभी मुझे देखना है कि आगे जाके ये लॉन्ग लिस्ट का शॉर्ट लिस्ट होता है, फिर जूरी आती है कि कैसे होता है पद्धत, वो अभी पता नहीं चलेगा। यस टफ कॉम्पिटिशन है बिकॉज फैंटास्टिक फिल्म ज़्यादा है, बट यस वो लिस्ट में ही आना एक बड़ी बात है, एंड दैट्स वाई वी ऑल आर प्राउड। भूमि एक फादर डॉटर की स्टोरी है, संजय दत्त की कमबैक फिल्म है, ऑब्वियसली सब लोग आँख खोल के देखेंगे कि भाई इतने टाइम के बाद इसकी पिक्चर आ रही है, संजय जी की पिक्चर आ रही है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू डायरेक्ट हिम, आई मीन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दैट ही इज़ कमिंग बैक, एंड मेरी ये पहली नॉन बायोपिक फिल्म है, बट हाँ कहानी फादर डॉटर की है, इंटेंस ड्रामा ही है, रिवेंज ड्रामा है, एंड आगरा में शूट करूँगा मैं, तो समवेयर इट्स अगेन एन एक्टर्स ड्रीम रोल फॉर लाइफ, बिकॉज एक कमबैक है और दूसरा इतनी एक्टिंग है इसमें, इतना इंटेंसिटी है कि फिल्म में बॉलीवुड ड्रामा है, धमाल है पूरा, लेकिन इंटेंसिटी कहीं जाएगी नहीं, बिकॉज मेरी पिक्चर में हमेशा एक्टर इज़ द मेन हीरो फॉर मी, फॉर उसके हिसाब से मैं पिक्चर बनाता हूँ कि एक्टर को ऐसा मोल्ड करूँ कि पब्लिक देखती रहे और उसका लाइफ का बेस्ट रोल हो, तो इसलिए भूमि ऐसी है। हम 29 जनवरी को शूट कर रहे हैं, दो महीना इन एंड आउट इन आगरा, August 4 को रिलीज है। ओके, भले ही आपने कहा कि नॉन बायोपिक है लेकिन फिर भी रियल लाइफ से काफ़ी इंस्पायर्ड होगी, इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है बट नॉट रियल लाइफ, इट्स नॉट अ बायोपिक, बहुत सारी ऐसी इंसिडेंट्स होती हैं उस हिसाब से, इट्स नॉट वन इंसिडेंट। और बायोपिक का हम कब इंतज़ार करेंगे? वो अभी टाइम है, अभी मतलब 4th या 5th में होगी, मतलब नहीं 5th या 6th में होगी, उससे पहले मेरे पास बहुत सारी पिक्चरें जो लाइंड अप है, जो 5 जो आने वाली है वो अलग है, एंड आगे आएगी है, बहुत सारी स्टोरीज है लाइंड अप।